अब अजब प्रेम की गजब कहानी, ऐसा प्रेम जो बार बार हो रहा है। टुक टुक रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद ताजुद्दीन ने पहले तो प्रेम विवाह किया और 7 साल से किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। 5 साल का एक बच्चा भी है। इसी दौरान अपने पड़ोसी नाबालिग लड़की से फिर उसे इश्क हुआ और उसे लेकर वो फरार हो गया। पहली पत्नी और लड़की के परिजन थाने पहुंचे और क्या कुछ थाने में फैमिली ड्रामा हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों को गौर से देखिए। ये ऑटो चालक मोहम्मद ताजुद्दीन है, जिसे आज से 7 साल पहले नाबालिग नेहा से इश्क हुआ और वो नेहा को हजारीबाग से भगाकर रांची ले आए। 7 सालों तक गृहस्थी अच्छी भली चली, मगर दिलफेक ताजुद्दीन को फिर पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग से इश्क हो गया। बस फिर क्या था, पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और थाने में उसने सुलहनामे पे दस्तखत किए कि वो अपने पत्नी के प्रति वफादार रहेगा। मगर थाने से निकलते ही उसने अपनी पत्नी को सबक सिखाने की ठानी और पत्नी के हाथ से अपना आधार कार्ड लेकर फरार हो गया। बाद में पत्नी को पता चला कि पति उसी नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया है। वहाँ केस हुआ, पहला नोटिस गया, मेरे हस्बैंड मेरे पास आए 2-4 दिन पहले। हाँ, 2-4 दिन पहले तो मेरे हस्बैंड कल आए मेरे पास और बोले चलो हम कंप्रोमाइज करेंगे, केस उठा दो, दोबारा नहीं करेंगे बातचीत वो लड़की से। तो हम बोले चलिए। तब फिर हम कल महीना थाना गए, वो बॉन्ड किए कि कभी किसी से बात नहीं करना है, कोई लड़की से उससे नहीं करेंगे बात। उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड करके घर से रोड से ही निकले, रोड में मेरे हस्बैंड हम लोग पर्स छीन लिया और अपना आधार कार्ड निकाल लिए, आधार कार्ड छीन के भाग गए दौड़ करके। तो हम रोड से फिर इनके घर आए, हम बोले देखिए मेरे हस्बैंड भाग गए आधार कार्ड लेकर के, अपना अपना बेटी को आप लोग घर छीनने मत दीजिएगा। उस टाइम इसकी बेटी इनके घर में थी, मेरी शादी का 7 साल हो रहा है, एक बेटा है मेरा 5 साल का। इनकी बेटी को हम 4 बार समझा चुके घर पे बुला करके, जी पड़ोसी है हम लोग जी, किराए के मकान में है। इनकी बेटी को हम 4 बार बुला करके समझाए कि देखो तुम कुंवारी हो, तुमको लड़का मिल जाएगा, मेरा घर बर्बाद मत करो, मेरी जिंदगी खराब मत करो। ये बोलती थी भी कि नहीं करेंगे, जब नहीं करना चाहती थी सर, तो ये उनकी आधार कार्ड का हथकट्टी कैसे आ गई। जिस नाबालिग बच्ची को लेकर ताजुद्दीन फरार हुआ, उसके माँ बाप भी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बच्ची को बहला फुसला कर ले भागने का आरोप मोहम्मद ताजुद्दीन पे लगाया। हम तुम्हारा कसम खा कर, मेरा सर में हाथ रख के कसम खाई, उस दिन से पूरा बात खत्म हो गया। मोबाइल हम ले लिए हाथ में अपना, उसका जगह जो कागज पत्थर था सब ले लिए। बाप दुकान जाने लगा, पहुंचाने लगे, दुकान से हम लाने लगे। उसका बावजूद भी घर में साया के जैसा चिपके हुए थे। अब कल भी इन लोग इसका दूल्हा बरगलाया फिर भी बीच में कि आधार लाओ। अब कैसे लेके गए, देखिए आधार मेरा पास है। हाँ, बहुत मोबाइल मेरा जगह है, संपन्न की अपना बेगाना जगह, उसका दोस्ती लोग जगह, जहाँ चिन्ह पहचान था किए, बहुत जगह किए, लेकिन कोई पता नहीं चला। आप पूरे आरोप इनके पति पर ही लगा? इनके पति ही है, कहे कि ऊपर बना दिया मेरा इतना छोटा बच्चा को, दिमाग खराब कर दिया, पागल हो गई हूँ। थाना इसलिए आए सर कि कल रात से हमारी लड़की 8:30 बजे के लगभग घर से गायब हो गई है। हम लोग, मेरी बेटी काम करती थी चर्च रोड कपड़ा दुकान में, मेरा पैर जब से टूटा है 1.5 साल से, उम्र 2 गो बेटी है, 1 गो बेटा, वही लोग घर चला रहा है, दवा भी सब वही लोग करवा रहा है। तो उसी तरह कल रात में मेरा छोटी बड़ी बेटी आने लगी दुकान से, तो उसको फोन किए कि छोटी बेटी को दुकान से लेते हुए आना, साथ में लोग बोल के गई थी। हाँ, जो भागी है वो छोटी है, बड़ी बेटी घर में, हाँ वो भी कुंवारी है। ताजुद्दीन ने एक साथ 2 परिवारों को थाने में चक्कर लगाने पे मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी और बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया है। ऐसे में पुलिस इन दोनों परिवारों को कब तक इंसाफ दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए रांची से मदन सिंह की रिपोर्ट।